Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about physiological effects of karyotherapy. अब karyotherapy मैंने बताया था कि ये एक cold treatment है जिसके अंदर हम extreme cold apply करते हैं और फिर body का कोई भी local area या whole body treatment देते हैं जिसमें हम abnormal tissue को body से remove करवा देते हैं. अब ये cancers के patients में भी दी जा सकती है क्योंकि वहाँ पे abnormal cells की growth को हम prevent करते हैं, उसको stop करवाते हैं. और दूसरा, कोई भी accidental injury होगी है या फिर acute trauma है, उसमें भी हम karyotherapy की जो treatment है वो दे सकते हैं. karyotherapy का जो effect होता है वो दो systems के ऊपर होता है body के अंदर. ये एक circulatory system के ऊपर हो रहा होता है और एक nervous system के ऊपर हो रहा होता है. इन रिटर्न कैरियोथेरेपी के ऊपर जो सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है कि जब कैरियोथेरेपी की ट्रीटमेंट दी जा रही होती है तो स्किन जो है वो कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर एक्सपोज हो जाती है. अब स्किन जब एक्सपोज होती है टू कोल्ड टेम्परेचर तो क्या होता है, स्किन के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती है यानी कि आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से जो आर्टरीज के अंदर ब्लड होता है वो टूवर्ड्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन चला जाता है, इन द इनर कोर चला जाता है. उसमें अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो कंसेंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्वेलिंग होती है स्किन के ऊपर वो रिड्यूस हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इंजरी हो गई है या कोई भी स्वेलिंग हो गई है तो वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाती है. अब जब कैरियोथेरेपी का प्रोसेस फिनिश हो जाता है और हम आइस को हम रिमूव करवा देते हैं तो वेजोडाइलेशन होती है. अब वेजोडाइलेशन कब होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के बाद होती है. अब वेजोडाइलेशन में क्या हो रहा होता है कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ ब्लड चला जाता है फ्रॉम द स्किन वो दोबारा से वापस आ जाता है टूवर्ड्स द स्किन सिस्टेमिक सर्कुलेशन से और फिर फर्दर हमारे पास जो हीलिंग होती है वो फिर स्टार्ट हो जाती है. Now we have Lewis Hunting response. Lewis Hunting response क्या है, alternate cycle of vasoconstriction and vasodilation. अब सबसे पहले वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है जब कैरियोथेरेपी का प्रोसेस दिया जा रहा होता है, उसके बाद वेजोडाइलेशन होती है तो दोबारा से ट्वाइस वेजोकंस्ट्रिक्शन भी होगी और फिर वेजोडाइलेशन होगी. तो ये जो अल्टरनेट साइकिल होती है वेजोकंस्ट्रिक्शन की और वेजोडाइलेशन की तो ये हमारे पास क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लुइस हंटिंग रिस्पॉन्स कहते हैं. Now we have physiotherapeutic uses of circulatory effect. पहला क्या होता है, the initial vasoconstriction is often used to limit the extravasation of blood into the tissues following injury. Example, sports injuries, ice therapy is then usually followed by some form of compression bandages. अब इन केस क्या होता है कि हमारे पास जब कभी भी कोई इंजरी होती है तो ब्लड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास टिश्यू साइट पे जो कि स्किन पर होते हैं वो वहां पे ब्लड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो वहां पे फिर एट दैट टाइम जब कभी भी इंजरी होती है तो फिर ब्लड की अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए ऑन द स्किन साइड इंजरी में जो हमारे पास ब्लड की कंसेंट्रेशन स्किन पे बहुत ज्यादा हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्लड का फ्लो करवाते हैं टूवर्ड्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन थ्रू द वेजो कंस्ट्रिक्शन प्रोसेस. दैट्स वाई इनिशियल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है थ्रू द कैरियोथेरेपी ट्रीटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स इंजरीज होती है उसमें क्या होता है कि हम आइस थेरेपी देते हैं, दैट इज अ कैरियोथेरेपी प्रोसेस देते हैं जिसमें क्या होता है कि हम एक्सटर्नली बैंडेजेस अप्लाई करते हैं और इस कैरियोथेरेपी के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि कंप्रेशन अप्लाई होता है जो हम बैंडेजेस अप्लाई करते हैं जिसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, जो हमारा ब्लड होता है वो टूवर्ड्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन चला जाता है और फिर इंजरी से जो हमारे पास जो ब्लड लॉस हो रहा होता है, एक्स्ट्रावासेशन होती है ब्लड की इनटू द टिश्यूज, वो क्या होती है, वो कम हो जाती है. सेकेंड क्या है, द अल्टरनेट पीरियड्स ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन डिक्रीज कैपिलरी ब्लड फ्लो, कंसिक्वेंटली एन इफेक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ वेरी लोकल लेवल विच कैन रिड्यूस स्वेलिंग. अब हमारे पास ये जो लुइस हंटिंग रिस्पॉन्स होता है जो कि कैरियोथेरेपी के थ्रू हो रहा होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन की जो ट्वाइस साइकिल रन करती है, इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो कैपिलरीज के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो स्वेलिंग होती है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है जो कि स्किन के ऊपर हो रही होती है. ब्लड फ्रॉम टिश्यूज रिटर्न टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो ब्लड टिश्यूज से किधर जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ऊपर. तो इससे क्या होता है कि इसकी वजह से जो ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ चला जाता है उसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है ऑन द स्किन.
Increased circulation allows more nutrients and repair of shine to the damaged areas. तो blood जब systemic circulation की तरफ जाते हैं skin से, तो उसकी वजह से oxygen और जो हमारे पास nutrients होते हैं उनकी amount blood के अंदर बहुत ज्यादा present होती है, बहुत ज्यादा high हो जाती है. Then the reduced metabolic rate of cold tissues allows cold muscle to contract many more time before the fatigue set in. तो हमारा metabolic rate भी जो होता है वो cooling process के through ना cryotherapy treatment वो भी reduced हो जाता है और muscles इसकी वजह से क्या करती हैं, contraction करती हैं. It is possible that the increased circulation could carry away chemical substance which are stimulating nociceptive and producing pain as in the case of local tissue damage or the accumulation of metabolites. अब इसमें क्या होता है कि कोई भी टिश्यू डैमेज होती है किसी भी लोकल एरिया पे इंजरी की वजह से या कोई भी हमें एक्सीडेंटल जो है ना इंजरी होती है, तो ये जो है ना उसमें भी क्या होता है कि हमें पेन रिलीफ होती है, पेन रिलीफ मिलता है. और क्या होता है कि मेटाबोलाइज जो एक्यूमुलेशन होती है उसमें भी क्या और होता है कि हमें इससे प्रिवेंशन मिलती है. तो साथ में क्या होता है, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी इसी के थ्रू सर्कुलेशन के थ्रू कैरिड आउट होते हैं और साथ वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी रिमूवल कैरियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के थ्रू हो रहा होता है. देन जो सेकंड जो न्यूरल रिस्पॉन्स होता है इन केस ऑफ कैरियोथेरेपी ट्रीटमेंट वो क्या मिल रहा होता है, इन कैरियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्किन जो है जब कोल्ड टेम्परेचर के स्किन जो है जब एक्सपोज होती है टू कोल्ड टेम्परेचर, तो हमारे जो स्किन के ऊपर स्किन के अंदर कोल्ड रिसेप्टर्स भी होते हैं और थर्मल रिसेप्टर्स भी होते हैं. तो जब स्किन एक्सपोज होती है टू कोल्ड टेम्परेचर तो कोल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो कोल्ड टेम्परेचर मिल रहा होता है साथ में कोल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर, तो वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जिनकी वजह से वो इम्पल्सिस को जनरेट करते हैं और ये इम्पल्सिस टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड बैकवर्ड पास करती है वीआर द पोस्टीरियर रूट. अब इनकी वजह से क्या होगा कि जो पेन इंक्रीज होती है वो क्या होती है, उस पेन इम्पल्सिस ब्लॉक हो जाती है जिनकी वजह से जो पेन इंक्रीज होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि पेन गेज क्लोज होते हैं और हमें फिर पेन रिलीफ मिलता है. द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ द नर्व फाइबर्स इज रिड्यूस्ड बाय कोल्ड. अब कोल्ड अप्लाई जब की जाती है तो नर्व फाइबर्स का जो कंडक्शन रेट होता है वो कम हो जाता है. ए फाइबर्स जो होते हैं वो सबसे पहले इफेक्ट होते हैं और बी एंड सी फाइबर्स जो है ए फाइबर्स के बाद जो है उनका जो कंडक्शन रेट होता है वो कम होता है बाय द कैरियोथेरेपी प्रोसेस. द कोल्ड स्टिमुलस कैन स्टिमुलेट द मेडब्रेन विच में रिलीज बीटा इंडोफिन. अब जो कैरियोथेरेपी का प्रोसेस है उसमें जो कोल्ड अप्लाई की जा रही होती है उससे क्या होता है कि जो मेडब्रेन होता है वो बीटा इंडोफिन को रिलीज करता है जो कि एक हार्मोन है. द बॉडी ओपोइड लाइक सब्सटेंसेस इन टू द पोस्टीरियर हॉर्न एंड थस रिड्यूसेस पेन. तो इससे क्या होता है कि पेन रिड्यूस होती है. फिजियोथेरेपेटिक यूजेस ऑफ न्यूरोनल इफेक्ट, इसमें रिडक्शन ऑफ पेन होती है, इससे भी पेन रिड्यूस होती है, पेन रिलीफ मिलता है. रिडक्शन ऑफ स्पेस्टिसिटी, स्पेस्टिसिटी क्या होती है, इंक्रीज मसल टोन ड्यू टू डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन. अपर मोटर न्यूरॉन की डैमेज की वजह से क्या होता है, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है. देन एक्साइटेटरी कोल्ड, इसमें भी ये भी न्यूरोनल इफेक्ट में आ जाता है. सो दीज ऑल आर द फिजियोथेरेपेटिक यूजेस ऑफ सर्कुलेटरी एंड न्यूरोनल इफेक्ट.